वेलकम टू रिसर्च रॉक्स। आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं आपको, यूट्यूब के थ्रू मैंने एक अपार्टमेंट परचेस किया है ऑनर एक्वेंटेस हैदराबाद गच्चीबोली हाईटेक सिटी के अंदर, जिसका आज पोजेशन डेट है। एग्जैक्टली 18 महीने पहले मैंने इसे बुक किया था ऑनलाइन, और आज हम इस अपार्टमेंट का पोजेशन लेने वाले हैं, मतलब हैंडओवर करने वाला है ऑनर एक्वेंटेस। हमें ये फ्लैट की प्राइस है 1,02,00,000 रुपए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंट्रेंस कैसी है, लिफ्ट, और फिर पूरा अपार्टमेंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन, इनसाइड हाउस कैसे दिखता है, इसके क्या क्या फीचर्स है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिए। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। Finally we are reaching ऑनर एक्वेंटेस ऑफिस एंड नाउ वी आर टे हैंड ओवर। हम बैठे हैं ऑनर एक्वेंटेस के ऑफिस में, अब मिलेगा हमें हैंड ओवर फाइनली ऐसे ही किसी ब्लॉक में, और मैं दिखाऊँगा आपको कैसा है हमारा अपार्टमेंट। बहुत ही खूबसूरत रिसेप्शन है इनका। सेल्स ऑफिस से 50 मीटर का डिस्टेंस है मेन गेट एंट्रेंस का, जो कि पूरे ब्लॉक को कवर करता है। ये है उसका रूट। ये है मेन एंट्रेंस ऑनर एक्वेंटेस की, जो ए से लेकर एफ ब्लॉक की एंट्रेंस है। ये जो सामने देख रहे हो आप, ये है सुपरमार्केट। ये सुपरमार्केट एग्जैक्टली लोकेटेड है सेंट्रल में। यहाँ से ए से लेकर एफ ब्लॉक है, और मेरा अपार्टमेंट है एफ ब्लॉक में 2502 में। पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं बेसमेंट के थ्रू जाने वाला हूँ लिफ्ट से, जो कि बेसमेंट B1 में है, और फिर हम जाएंगे सीधा 25th फ्लोर पे। हमें छोटी सी गृह प्रवेशम की पूजा करनी थी, तो हमने इसी सुपरमार्केट से एक नारियल भी परचेस किया था और एक माचिस। यहाँ पर यदि 2 BHK है तो एक पार्किंग है, ऐसा इतना स्पेस, और 3 BHK है तो आपको 2 पार्किंग स्पेस मिलेंगे, एक ये और एक ये। तो पार्किंग ऐसी है, हर ब्लॉक की बेसमेंट में पार्किंग है, और बेसमेंट से ही सीधा लिफ्ट है जो आप ऊपर जा सकते हो आपके फ्लैट में। और यहाँ पर ही ऊपर सुपर मार्केट भी है। इस कंस्ट्रक्शन में 2 टाइप के पार्किंग है, B1 और B2। तो ये B1 पार्किंग है, B1 पार्किंग से डायरेक्ट लिफ्ट है। पार्किंग अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी पार्किंग बनी नहीं है। ओ, इधर से है रास्ता। ओ थैंक गॉड, मुझे लगा सीढ़ियों से जाना है। नहीं नहीं, फैन भी है क्या इसमें? एवरीथिंग विल बी कम, बट ओके इनिशियली ये Thank you. 2004
अरे नहीं, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस हेल्प। इसको भी लगा होगा। हाँ। ले लो। हाँ। थोड़ा बाल। हाँ। मैं कह रहा हूँ डोर को लगाओ। हाँ। तो ये इधर ओम बोल के लिख दीजिए। हाँ। इसको भी बना देते हैं। हाँ। एक ही चला। फाइनली हमने घर ले लिया। थैंक यू रिसर्च रॉक्स। घर की एंट्रेंस, ये स्पेस भी है, आप यूज़ कर सकते हो बड़े अच्छे से। मेन हॉल, एसी, डोर, आउटसाइड, एक बार एक एक पाँव लगा के। हाँ ठीक है, कोई नहीं, बस हो गया। हाँ बस है, लग गया है। ये वाला नहीं लग गया, ये वाला थोड़ा से आराम से मैं गिरा देगी। नहीं नहीं ठीक है, लगा लगा। कार को आप ठीक से नहीं, नहीं वो बाहर जाओ। हाँ। बाहर से राइट राइट लग गई। हाँ एक ही बार दोनों लगा सकते, नो प्रॉब्लम। ओके डन डन डन। वीर थोड़ा उठा हुआ सर, उसको स्टैंड के साथ स्टैंडिंग पोजीशन। शिट। हाँ कोई गुड गुड। अरे सर उसको स्टैंडिंग पोजीशन खड़ा कर दूंगा। हाँ वीर चलो। दिस इज हॉल, ये हॉल है और यहाँ एंटर करते हुए तो यहाँ पूजा का प्लेस है, पूजा मंदिर बना सकते हो आप, क्योंकि यहाँ लाइट है और यहाँ पर एक स्विच है ऐसे। फिर ये है किचन का स्पेस, यहाँ पर किचन का पॉट लगा नहीं है, वो लगाना है। स्विच, कलर्स और ये वॉशिंग मशीन का एरिया है, जो कि ये है। पानी सब परफेक्ट है, ये गैस है, मतलब गैस की टंकी लाने की ज़रूरत नहीं है। आउटसाइड व्यू, पर है बेसिन। फिर उसके बाद ये एक बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है।
इसकी साइज है बड़ी और ये है मास्टर बेडरूम का टॉयलेट एंड वॉशरूम। ज़बरदस्त है, बड़ा है काफ़ी और काफ़ी अच्छा है, सब परफेक्ट है। उसके बाद एक विंडो है, एक गैस एसी का आउटलेट है, यहाँ पर इजीली आप एसी बिठा सकते हो। तब तक कैसे तो भी आपको पूरा इंटीरियर का काम और ये है बेडरूम। अगर आपको इंटीरियर में कोई पर्सन चाहिए, अगर वो पर्सन बोले तो भी मिनी बेडरूम, यहाँ से डोर ओपन होती है और आउटसाइड व्यू अमेजिंग। यहाँ पर लोग आ गए हैं पहले से ही रहने के लिए, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स जैसा बनने वाला है जो आप वीडियो में देखोगे बाद में। विंडो तो बहुत ही सही है, ज़बरदस्त। ये बेडरूम, उसका किचन, उसका बेड, बाथरूम सब परफेक्ट है। यहाँ वेंटिलेशन फैन भी लगा सकते हो, लगाएंगे हम। सबसे बढ़िया चीज़ है अपार्टमेंट की जो ये गैलरी, हाँ इजी है तो ये गैलरी और आउटसाइड गैलरी व्यू अमेजिंग। यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बनने वाली तो ये एकदम परफेक्ट व्यू है इस गैलरी का। सबसे एडवांटेज है इस फ्लैट का, ये झील है और ये क्या है, क्लब हाउस। ये क्लब हाउस और ये राउंड वाला पार्क, ये पार्क है, ये पार्क एम्फी थिएटर पार्क। ओके, एम्फी थिएटर और पार्क, ओके। वो पूरा लेक व्यू, अच्छा पूरा टावर्स का व्यू। हाँ ये लेक और अच्छा क्लीन बनेगा क्या? हाँ बनेगा सर, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ओके, अर्लियर रोड वाज नॉट देयर, नाउ दे आर मेकिंग ए रोड देयर। ओके, क्लीनिंग प्रोसेस का भी हमारा हार्नर्स वाले ले लिया। ओके, मतलब ये पानी क्लीन दिखेगा कुछ? हाँ क्लीन दिखेगा। ये ड्रेनेज का पानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ड्रेनेज विल नॉट गो टू इनटू दैट वन सर। ओके, दिस इज क्या बोलते हैं, रेन वाटर का, रेन वाटर है, स्टोरेज जैसा लेक। अच्छा, मतलब यहाँ से ये वो उधर कुछ बन सकता है फ्यूचर में, है ना? हाँ फ्यूचर में वो रोड। अच्छा वो मंदिर है, टेंपल है? हाँ उस तरफ एक टेंपल है। वो किसका टेंपल है वो मालूम नहीं पड़ा सर मुझे। अच्छा बट टेंपल अच्छा है वहाँ। हाँ या। और ये हाईवे तो विप्रो सर्कल जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ये दिस विल गो टू लिंगमपल्ली। ओके, लिंगमपल्ली ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन, लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन। बहुत कितने दूर है यहाँ से? 6 किलोमीटर। ओके ओके, ये तो विप्रो सर्किल 3-3.5 किलोमीटर आ जाता। की और व्हाट इज इनसाइड? इनसाइड इज स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आवर एंड गाइडलाइंस का एक रहता है। ओके, की चेन भी रहेगा अंदर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑनर। यस वी आर ऑनर टू। यस फाइनली हमें मिल गया हमारा घर। ओनर, वी आर वेरी हैप्पी ओनर की तरफ से। और ये प्रोवाइड की है उन्होंने कीज। कितना है ये कीज का सेट? पूरा 3 बेडरूम्स, 2 बेडरूम्स है ना? 2 सेट है शायद। हाँ 4 सेट। नहीं, मेन डोर का 4 कीस आता। ओके, 2 बेडरूम का 3 कीस, यूटिलिटी का 3 कीस। ओके, 4 कीस, 13 कीस टोटल, 13 कीस टोटल। वीर बाई, से बाय, से बाय, टाटा टाटा बोलो अंकल को, टाटा सर। एक मिनट वीर, कंग्रेचुलेशंस। थोड़ा बीच में रहेंगे।